Welcome to Reason for Physics. Potential energy of a spring. एक स्प्रिंग हम जनरली देखे ही होंगे घरों में. सो इट इज़ लाइक दिस कि एक स्प्रिंग ऐसी होती है जनरली. ठीक है, मान लेते हैं ये 0 to x meter लंबी है, यानी कि इतनी है. ठीक है, एक स्प्रिंग को किसी मास द्वारा खींचा जाए या स्ट्रेच किया जाए, यानी किसी फोर्स लगा के या कुछ लटका के उसमें हुक से. सो दिस इज़ अ हुक्स लॉ, एक्चुअली इट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉट इन आवर वर्ल्ड. सो हमने क्या किया कि इसको खींच के स्ट्रेच कर दिया, यानी बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो मानो कि एक लंब हद तक हमने स्ट्रेच कर दिया उसको स्प्रिंग की, तो एक एक्स एम तक पहुंच गई, यानी कि ये उसकी एक्स थी नेचुरल, और ये थोड़ी सी स्ट्रेच होके मान लो एक्स एक्स इनिशियल थी और एक्स फाइनल तक पहुंच गई मान लो. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एम. एक्स एम या दिस. सो दिस वाज एक्चुअली दिस वाज आवर इनिशियल एंड कंप्रेस किया तो कम हो गया, यानी कि दिस वाज बिकम द फाइनल. सो एंड दिस वाज द मैक्सिमम स्ट्रेच और द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस. सो आइदर ऑफ द टू कंडीशन, या तो स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हमने मैक्सिमम कंप्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेच माना. चलिए, ये तो एक दो कंडीशंस हो गई. अच्छा, आइए अब इस पर फर्स्ट हम स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग द्वारा जो वर्क हुआ उस वर्क को देखते हैं. सो द वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x m, यानी एक्स एम डिस्प्लेसमेंट तक ले, या यो यू लिखता एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. अगर लिखता मैं दोनों में से किसी से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि मैं क्या लिखूँ. इसमें कन्फ्यूज नहीं करना, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. बहुत सारी किताबों में यू गेट कन्फ्यूज ओवर इट. इट इज़ वेरी सिंपल एंड एज इजी एज यू सी दिस. सो वर्क इज द फोर्स दैट कॉज दिस मोशन और डिस्प्लेसमेंट. सो हियर द फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स, एंड वी नो दैट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है, तो स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स लगाया गया, तो हम तो स्प्रिंग को अगर दबा रहे हैं तो स्प्रिंग चाहेगी कि हम बाहर की तरफ भागे, और स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं तो स्प्रिंग चाहेगी हम अंदर की तरफ हो जाए. तो वो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाती है, अपनी फोर्स जो स्प्रिंग लगाती है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और मोशन जो हमारा हो रहा है वो अलग डायरेक्शन में. ठीक है, मानते हैं हम जो मोशन करा रहे हैं वो किसी मास द्वारा करा रहे हैं, कोई मास द्वारा करा रहे हैं उसकी मोशन करा रहे हैं, मान लेते हैं किसी मास द्वारा, या अपने हाथ से कर रहे हम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्क स्प्रिंग करेगी वो अपोजिट होगी या निगेटिव होगी वो वर्क जो हम कर रहे हैं. एज लाइक दिस वॉज द ग्रेविटी. सो दिस फॉर्मूला में जो दिस वर्क इज एफ एफ डी एक्स जो होनी चाहिए, तो दिस एक्स इज एक्चुअली दिस इज माइनस के एक्स होती है. माइनस इसलिए होती है क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स जो ये एफ एस है, अगर एफ एस द्वारा अगर हम देखते हैं तो निगेटिव होती है. इसलिए वर्क इज नेगेटिव बिकॉज द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो द वर्क इज नेगेटिव. सो एफ के एक्स और डी एक्स को हमने डी एक्स से लिखा. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 to x m, यानी एक्स एम होनी, यानी कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन पर 0 है डिस्प्लेस, तो एक्स एम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेस, यानी इनिशियल टू फाइनल जो भी उसका. अच्छा, अगर ये अगर u हम इसको कहें तो इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो इंटीग्रेशन में इसकी पावर बढ़ जाएगी. कॉन्स्टेंट k तो बाहर आ जाएगी, के एक्स स्क्वायर होगा जितना है इंटीग्रेशन, दो नीचे आ गई. सो दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर. ये उसी तरह जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एक्चुअली दिस नॉट हाफ एम वी स्क्वायर बट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इंजेक्टेड और स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग बिकॉज ऑफ दैट वर्क. एंड सो वर्क इज द दैट एनर्जी इज माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू. नाउ चूंकि ये इनिशियल से फाइनल तक गई, या जीरो टू हम एक्स एम कर दें जो भी लिखे, सो दिस इज वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. But there is the work is the change in the potential energy. It's both the same things we are doing. We are writing the potential energy at final position minus kxmxfx² by 2 minus the minus of kx initial square by 2. So finally, actually this is initial, this is final. So actually we will write like this ki half 1 by 2 half with the
के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर एंड दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। नाउ अब हम आते हैं, अच्छा लेट अज्यूम कि एक बार स्प्रिंग को हमने खींचा और फिर एक बार वापस आ गए। सो जब खींचा तो एक वर्क हुई और फिर वापस आ गई तो एक वर्क हुई। सो द वर्क द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। सो द फाइनली द वर्क विल बी जीरो। अगर एक वर्क अगर ये किसी का स्ट्रेच करो फिर वापस ला दूँ इन दिस कंडीशन वर्क डन विल बी जीरो। इफ रिटर्न्स इफ इनिशियल एक्स आई इनिशियल पोजिशन इक्वल टू फाइनल पोजिशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू से। अगर इनिशियल पोजिशन फाइनल पर आ जाए यानी कि एक बार तो खींचा फिर वापस आ गई तो जो वर्क खींचने में हो उसके अपोजिट वर्क लाने में हुई तो टोटल वर्क नेट वर्क बिकम जीरो। बिकॉज सिंस एफ नेट बिकम जीरो सो वर्क नेट बिकम जीरो। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस सिंपली। तो सेकेंड कंडीशन लेते हैं स्प्रिंग पे कितनी आसान है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सेकेंड कंडीशन ये है कि मान लो किसी पोजिशन तक खींची तो अगर मान लो किसी एक्स पोजिशन तक हमने खींच दिया सो द पोटेंशियल एनर्जी को जिसको यू से भी लिखते हैं या यहाँ पर वी से हम लिख दें यू से लिखें या वी से लिखें जिससे भी लिखें पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ कि अगर एक्स एम पोजिशन तक है तो के एक्स एम स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी। हेयर वी हैव रिटन द चेंज, दिस इज द चेंज एक्चुअली दिस इज वट एवर दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वट इज रिटन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द दिस चेंज सिंपल वन वर्ड दिस इज द हाफ के एक्स एम स्क्वायर विद एक्स एम इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ थर्ड कंडीशन हम ये लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि हमने क्या किया इसको खींचा एक पोजीशन तक नहीं एक्सम हाइस्ट तक। अच्छा खींच के वहाँ पर रोके रखा पहले रोका हुआ यानी कि उस वक्त जब खींचा हुआ है जिन मैक्सिमम पोजीशन तक उसको जब रोके रखा तो उसकी वेलोसिटी जीरो है यानी कि वो पोटेंशियल हाइएस्ट है। और जो भी ऐसी पोटेंशियल यानी कि टोटल उसकी चूँकि स्प्रिंग फोर्स है हमें पता है कि पास्ट पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि स्प्रिंग फोर्स है फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पर डिपेंड करती है। सो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी द मैकेनिकल एनर्जी विल बी द कॉन्स्टेंट एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम। सो अगर आप खींच के अगर रखे हुए मान लो एक समय पर तो किसी चीज के द्वारा किसी बल के द्वारा सो दो एट दैट पॉइंट द हाफ के एक्स एम स्क्वायर की जो प्लस जीरो हो जाएगी यानी दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई उस पॉइंट पर यानी कि हाफ जो हाफ एम वी एट दैट पॉइंट जो भी हो वो जीरो है तो सिंपली ये जीरो रख दिया। लेकिन अब मान लो छोड़ा जब छोड़ा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज की काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी जीरो से इंक्रीज किया पोटेंशियल जीरो से कम हुआ तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब मान लो किसी भी पॉइंट एक्स पर तो किसी भी एक्स पॉइंट पर मान लो कि एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। एट इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब वो फिर रिटर्न टू एक्स हो जाएगी एक्स इक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए या यू सिंपली ये समझो एट इक्विलिब्रियम का स्प्रिंग भी ये मतलब है कि पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई और वहाँ पर उस एक्स पोजिशन पर कोई भी कहीं भी हो वो एक्स पोजिशन में पूरी पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई तो उस एक्स पोजिशन की पोटेंशियल तो जीरो हो गई तो उस एक्स पोजिशन काइनेटिक हाइएस्ट हो गई चूंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सो द मैकेनिकल एनर्जी एट दैट एक्स पॉइंट विल ओनली बी द काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस्यूम दिस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। This is the kinetic energy and this is the potential energy at that point x. So this half mv square is equal to half kxm square at equilibrium at equilibrium condition at the condition of equilibrium. So now it's a बहुत important result half से तो half चला गया और now the kxm square equal to mv square. Now This is now v square v equal to k by m x under root. So this implies v equal to under root k x m by m mass. Now k is a spring constant here. This is the result where this v is the maximum velocity will be reached at when the x m is the maximum displacement. So it is the result. Now यहाँ पर k क्या है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यानी कि एफ